चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस देश में फिर आंदोलन होगा, बिजली वाले करेंगे, बैंक वाले करेंगे, उनके कर्मचारी करेंगे, ये किसान संगठन करेगा, ये जो महिलाएं हमारी बैठी, या तो दे दे पैसे और नहीं तो यहाँ के डीएम की प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम गन्ना तोड़ लेंगे डीएम के यहाँ पे। आंदोलन करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। इस सभा के अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, देखो मुद्दे बहुत है। अच्छा किसान भी ये सोच रहा कि भाई हालात ये होंगे कि रोज ही धरने, प्रदर्शन, पंचायत, अगर जिंदा रहना जमीन बचानी, ये सरकार दुब्बड़ की ढाल, एक दिन से खुरपे तक काटे फिर उगर जा, फिर काटे फिर उगर जा। अगर इसकी आंदोलन की लड़ाई उड़ाई नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे बंजर खेत। ये अब दवाई मांग रहे, कुछ सरकार जो है वो दवाई मांग रही है, यहां पर ट्राल कर रही है मुजफ्फरनगर में। तो भाई ट्राल इनको देना पड़ेगा। हम तो सोच रहे कि अधिकारी ठीक काम कर रहे लग रहे, लेकिन पेंच है ज्यादा। आज भी यहां पे जो पीड़ित था उसने बातचीत करी थी कि मैं 9 तारीख में आऊंगा। जैसे ही वहां पे टीकरी में घोषणा हुई कि पीड़ित हमारे बीच में आऊंगा, उसका 10 मिनट बाद ही इसमें फोन आ रहा था, बाद में गाड़ी में बैठ के हमने फोन करा। उसने कहा जी मैं सरकारों के लोगों के साथ में, उनका फोन आ गया कि 9 तारीख को वे हाईवे के सर्वे करेंगे। मतलब 9 तारीख को ही, 15 दिन पहले प्रोग्राम उनका बन गया कि 9 तारीख में सारे सहारनपुर हाईवे, शामली हाईवे, इसके सर्वे करेंगे। यहाँ के जो विधायक वगैरह आए हैं बीजेपी के, कह ले जी उनका फोन आ गया। मगर भाई उनकी सरकार की गेल में जरूर, यहाँ तो हम चला लेंगे काम। अब भाई तीन चार चीजें हैं, देखो यहाँ ये भुगतान कैसे देंगे, गन्ने की बड़ी समस्या है। डीएम के यहाँ पे ये कर लो, ये नहीं कि फिर आप गन्ना लेके यही जाओगे, ये मिल कहाँ जाएगा, साल भर में दे देगा, कोई बात नहीं। गन्ना तुलेगा डीएम के यहाँ पे, अपनी ट्रॉली भर कर ले आना, 18-20 क्विंटल ले आना गन्ना। अक्टूबर में जब भी कोई भी एक फैक्ट्री, जिस दिन मुजफ्फरनगर की पहली फैक्ट्री चल जाएगी, अपना गन्ना छोल के ट्रैक्टर में भर के मुजफ्फरनगर ले आना, एक आंदोलन तो होगा। ये हर साल का रोक कट जाएगा। डीएम के वहां पर जब तुलाई होगी तो तीसरे दिन नगद भुगतान हो जाएगा, हमने तो लिया वहां पे। ये 1 लाख क्विंटल गन्ने की 80,000 की पिराई करता है भाई, इसको बांटना है दूसरी फैक्ट्री में, बट जाएगा यहां पे कंटे लगा दे, या तो दे दे पैसे और नहीं तो यहाँ के डीएम की प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम गन्ना तोड़ लेंगे डीएम के यहाँ पे। शामली मिल के भी लोग यहाँ पे होंगे, शामली के भी लोग आ रहे हैं। हमने भाई प्रोग्राम दे रखे अगले महीने के 4 तारीख तक तो है हम बाहर, और 5 तारीख में घर से कपड़े लेकर हम आओगे शामली और बैठेंगे डीएम के ऑफिस में। गन्ने का भुगतान है 650 करोड़ रुपया। अगर हमको कहीं प्रोग्राम में जाना होंगे, हम मुजफ्फरनगर नहीं आने के, जब तक राह नहीं बैठते हम प्रोग्राम शामली के डीएम के ऑफिस में से करेंगे। हमारा एक ट्रॉली में अपना वह टेंट से लगवा दिए, ठीक है भाई। इनका इलाज नहीं करेंगे, शामली की एक आधी फैक्ट्री होती तो चलो भाई लेट से पेट हो गया, मतलब तीनों फैक्ट्री ने कंपटीशन कर लिया, तो ये कंपटीशन नहीं, ये प्लान है उनका। आंदोलन करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, बिजली के आंदोलन भी चलेंगे। बिजली का ये नहीं कि आप गांव गांव में घेरोगे, या आपको थका लेंगे, आपके खिलाफ मुकदमे करेंगे, क्योंकि ऑर्डर राजा का है कि लड़ाई जो है ना कि फौज लड़े ना, भेज दो बिजली वालों को, इनकी लड़ते रहेंगे ये। अरे रुक जाओ हॉर्न मास्टर, रुक जाओ।
ये गाड़ी हटा लो भाई। रेप का औरन रुक जा, सुन जा, सुधर जा, निकाल लो, निकाल लो। मुजफ्फरनगर में बिजली का इशू, मुजफ्फरनगर का तारीख रख लो भाई। बार बार घेरने की उसकी जरूरत नहीं, तारीख रख के बिजली के जो भी इशू होंगे वे मुजफ्फरनगर की डेट रख लेंगे, कौन से दिन से वहां पर आना है। जिसने आज लोग को लिख कर दे देना पर्ची, जिसने नंबर दो के पैसे भी बिजली विभाग को दिए उससे भी वापसी दिलवाओगे, ये तो लूट लेंगे सारे, इसको सारे किसानों को लूट लेंगे, हर आदमी के। आप इसका पूरा पाड़ी नहीं सकते बिजली का, इसमें जो वो बिजली का बिल आवेदन निकल के उसे बिजली वाला भी नहीं बता सकता, डीएम भी नहीं बता सकता कि इसमें ये क्या क्या चीज जोड़ रखी। वो मुझे फरगर दिखा दिया हमने घर पे, 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रहा, क्या वो कह रहा है जी जंप मारे, और जंप मार तो 2500 ज्यादा आवे इसका, मगावे इसका इलाज जी और पावर बढ़वानी पड़ेगी। घर का मुझे फरगर 5 किलोवाट था, 5 होड़ लिया, 10 कराया, कह रहे जी जंप नहीं मार देगा। यू जंप भाई मीटर 12.5 में भी मारे, 23 हॉर्स पावर होगी, गोले के लोग बैठे हैं 23 होगी, ये 23 और 25 सबकी होगी। जिसके अपनी ईमानदारी से कर लेना, अपने घर में जोड़ लेना हिसाब, जिसके चेक पावर का मोटर उसमें 5 पावर ऊपर जोड़ लेना, इतनी पावर होगी। कोई काट रहा है यहाँ पे 15-20 हॉर्स पावर से नीचे को यहाँ पानी काट देगा, ये बिजली वाले भी ये भी, इनका इलाज होगा मुजफ्फरनगर डीएम के यहां से, उनके वहां बैठ लो, नहीं तो रोज ये चमर थका लेंगे, ये गांव वाले भी थक जाएंगे और ये लूट करते रहेंगे। उनका तो काम है बिजली के थाने खुल गए, उनका काम है रोज उन्हें तो अपनी ड्यूटी बजाना, तब आंदोलन करना पड़ेगा भाई। बिजली की समस्या चाहे किसी का छापा पड़ा या नहीं पड़ा, जो भी लाइट पंखा बल्ब जला रहा है यह समस्या सबका होगी। सबसे पहले जो यूनियन के लोग हैं उनका होगी, जो विपक्ष वाले उनका होगी। एक आप देखो ये बीजेपी वालों को भी दिखा देंगे, हम अपनों को भी लगा रहे हैं। तो आंदोलन 2-3 महीने का ये झटका आंदोलन का है, अपनी मेंबरशिप का है, गांव में बैठाओ अपनी मीटिंग करो गांव में, जैसे यहां पर मीटिंग हुई। आप इसी मीटिंग को अगर मुजफ्फरनगर करते तो इसमें से आधे नहीं जाते। तो गांव में तो संगठन की मीटिंग तो गांव में, और आंदोलन की मीटिंग अधिकारियों में। लिस्ट बनवा लो, लिस्ट जाना पड़ेगा। ये 25-35 साल बहुत सम्मान से किसानों के कटे हैं। अभी दिक्कत यह आ गई कि भैया जो जमीन जायदाद ये है ना, ये कैसे छीनी जाएगी आपकी, ये प्लान उसका बढ़ना है पूरा। बिजली का कल रख दिया इंद्रा हाउस में, बिजली के रेट बढ़ेंगे प्राइवेट होती हुई, तो ऐसा पहले ही ठीक कर लो, और पहले ठीक होगा आंदोलन से। पूरे देश में इसका विरोध है, बिजली के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, हम उनका पहले से ही समर्थन करते हैं। वो उनकी मजबूरी है कि वे भी मीटर लगाना, अरे क्या आ रहे, वो एक लड़ाई हमारी उनकी आपस की है, लेकिन आज उनपे मुसीबत है। हम पिछले 10-15 साल से जब जब भी बिजली की यूनियन पे, बिजली कर्मचारियों पे आफत आती है, भारतीय किसान यूनियन उनको समर्थन देती है, हम उनके साथ रहते हैं। जो बिजली प्राइवेट हो रही है, बिजली कर्मचारियों पे आफत होगी, हम उनके साथ में, भारतीय किसान यूनियन जहां भी आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, हम उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ हैं। ये हम पिछले 15 साल से उनके साथ में कर रहे हैं। हमने लखनऊ में भी जो उनके यूनियन के जो अध्यक्ष हुए थे सारे, उनको बता दिया था कि आप हमारी तरफ से, हमने उनको बयान भी दे दिए कि हम आपके साथ में हैं, हमारा और आपका मुद्दा एक ही है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे, हम अपनी कर रहे। ये गन्ने का हो गया, बिजली के हो गए, आंदोलन के हो गए, रही यहां की पुड़ की बात। यहां की पुड़ की जो भी सहमति गांव बनाएगा, इसके आमने सामने रास्ते जा रहे हैं, वहां आमने सामने इसमें
अंडरपास बनेंगे तीन, इस पुल की लंबाई बढ़ेगी करीब करीब 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर के आसपास इसकी लंबाई बढ़ेगी पुल की, और इसका ठीक रास्ता बैठ जाएगा 100 मीटर में। जहां लोग भी रास्ते आ रहे हैं, इसकी हाइट बढ़ा लो भाई, लंबाई बढ़ा लो, बराबर के रास्ते छोड़े कर दो, जिसका मकान घर दुकान टूटता है उसको मुआवजा दे दो, आज बना लो 2 साल में बना लो 10 साल में बना लो। ये हाथ ठाके ये प्रस्ताव तो गांव के सब लोग चाहते हैं, और कहा हाथ ठाक नहीं चाहते हाथ ठाओ सारे, एक हफ्ता पेंच लगा मुझे थोड़ा बहुत, हाँ कोई बात नहीं। तो ये है कि रास्ता भाई कट के सामने, उनमें रास्ते के सामने रास्ता खुल जाए आर पार, और ना ये होगा कि सिंगल बना दो, एक तरफ तो नीचे का एक तरफ तो ऊपर का, वो भी चलेगा, डबल बनाना होगा तो डबल बनेगा। अग्निपथ योजना जिस भी अधिकारी का जाओ, एक एप्लीकेशन अग्निपथ की भी लिख लो, जो भी नौकरी कर रहा उससे पूछ लो आप अग्निपथ का समर्थन करते हो क्या, वो अगर समर्थन करें वो जिस पर लिख के दे दो, वो अगर ना करे हाँ करे कुछ ना कुछ वो लिख कर देगा। मतलब 20-20 साल नौकरी कर ली, अग्निवीर बनना नहीं चाहते, अग्निवीर बनना बनाओगे इनको गांव वालों को, भाई जिसकी नौकरी 20 साल होगी वो भी एक अग्निवीर बन के और फिर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जब उसको फिर बता दो हमको उसके ज्ञान, इस देश में फिर आंदोलन होगा, बिजली वाले करेंगे, बैंक वाले करेंगे, उनके कर्मचारी करेंगे, ये किसान संगठन करेगा, ये जो महिलाएं हमारी बैठी, इन्हें झंडा है तिरंगा है क्या, घर नहीं है, ये झंडा कहां लगावे, जिस जिसका घर नहीं, इन्हें एक दिन अध्यक्ष जी जिस जिसका घर नहीं डीएम के वहां ले जाओ, इन्हें घर दे दो झंडा लगाऊंगी, ठीक है, इन्हें एक आध दिन में 14 तारीख को बना लूंगा प्रोग्राम, नुको जी ने घर दे दो, और 15 तारीख में भाई झंडा प्रोग्राम चल रहा तिरंगे का, ये तो आप 15 अगस्त में अपने ट्रैक्टर ले आना, उस दिन ढील ना करना, वो जो ग्राउंड है उसमें ट्रैक्टर झंडे लगे दिखने चाहिए, वही एक बड़ा झंडा है, फिर अपना उसे शहर में घुमा लेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा घर से 5 बजे, 9 बजे झंडा का प्रोग्राम है जो सरकारी होता है 8-9 बजे करीब, और उसके बाद में मार्च कर फिर अपना आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी हो अपना आ जाना, उसका प्रोग्राम बना लेना, ट्रैक्टर तेज भी चलाना, किसी को ट्रॉली को जाऊंगा ले आना, उसमें बैठ जाओगे लोग, कोई खाल ले जाऊंगा उसको ले आना, 15 अगस्त का मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम है, ग्राउंड में जहां पे पंचायत हुई थी उसमें कम से कम एक आंदोलन उसका तो हो जाए, 5,000 झंडे सरकार ने देने की बात करी है, यहाँ पे एसडीएम साहब ने सबके सामने करी, उससे झंडे ले लियो, मतलब ये क्या घर घर बांट रहे हम इनसे ले रहे भाई आप दे दो, भुगतान का इशू है पूरा कैडा, इसका आंदोलन लड़ना पड़ेगा, इसका यहां से कहने से नहीं होने का भुगतान, और ना भुगतान होने का मिल से भुगतान होगा डीएम के वहां से, इसकी कोई भी तारीख रख लो, 5 तारीख अगले महीने की 5 तारीख अगस्त सितंबर तो है 5 तारीख की शामली की, और उससे पहले एक दिन, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, हम रहेंगे बाहर, कोई भी 21-22-23 तारीख कोई भी रख लो, झोपड़ी भट्टी वो कैक दिन आंदोलन चलेगा उसका पता नहीं, अपना मजबूती के साथ आ जाओ, वहां से ही अर्दाबंदी कर दो डीएम का ऑफिस, क्योंकि डीएम ने भी एक कहा धरना स्थल कहीं दूसरी जगह बना लिए, अब नो पता नहीं उसने प्यार से कहा कि या टाइट करने के लिए कहा भाई गन्ना भुगतान दे दे, बिजली की वोल्टेज ठीक दे दे, बिजली का और गन्ने का इशू दोनों डीएम के वहां से चलेंगे, डेट देख का तय करके कोई सी रख लेना बता देंगे कौन सी दिन होगी, ये बिजली का इशू भी ये भी दोनों रहेंगे,
आप लोग भाई गर्मी में भी आए, सबका धन्यवाद। 24 तारीख का प्रोग्राम वहां का है, क्रोता हत्ती का, और 5 तारीख को वहां रहेगा, उसके बाद में